ये लो माँ इस महीने की सैलरी। जैसे ही कमल ने ऑफिस से आकर अपनी सैलरी मधु के हाथ में पकड़ाई, वैसे ही वहाँ पास में ही खड़ी लक्ष्मी की त्योरियाँ फिर से एक बार बहुत तेजी से चढ़ गई और वो एकदम से गुस्साते हुए तनतनाते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। जबकि हकीकत ये थी कि कमल के मधु के हाथों में सैलरी पकड़ाते ही वो घर खर्च और दूसरी जरूरतों भर का पैसा निकाल कर खुद लक्ष्मी को ही सारा पैसा तुरंत पकड़ा देती थी। और इस बार मधु रुपए पकड़ाने के लिए लक्ष्मी को आवाज़ ही लगाती रह गई, लेकिन लक्ष्मी ने एक भी ना सुनी और वो एकदम से पैरों को जोर जोर से पटकते हुए चली गई। मधु तो लक्ष्मी का ये रूप देखकर बिल्कुल आवाक सी रह गई। क्यों ऐसा करती हैं आखिर बहुएं? लेकिन मधु लक्ष्मी के इस अजीब व्यवहार से बिल्कुल साफ समझ गई कि बहू को कमल का इस तरह मेरे हाथ में अपनी सैलरी पकड़ा देना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। महसूस तो वो लक्ष्मी के व्यवहार से दो तीन बार से ही कर रही थी, लेकिन क्या करे वो भी, कमल तो सीधे ऑफिस से आकर उसके हाथों में ही सैलरी जो पकड़ा देता है। वो मना करती है, लेकिन फिर भी कमल इस बात को नहीं मानना चाह रहा था। पिछले 6 महीनों से यही तो हो रहा था, जब से लक्ष्मी इस घर की बहू बनी तब से। लेकिन आज लक्ष्मी ने कुछ ज़्यादा ही आक्रोश जता दिया था अपने व्यवहार से, और मधु को लक्ष्मी का ये अटपटा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए आज उसने लक्ष्मी से कुछ बात करने की ठान ही ली, क्योंकि उसको अपनी बहू के इस तरह के व्यवहार से बहुत ज़्यादा ठेस झोल पहुँची थी। और जैसे ही थोड़ी देर बाद लक्ष्मी सबके लिए चाय लेकर बाहर आई, तो मधु से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और वो आखिरकार लक्ष्मी से उसकी नाराज़गी के बारे में पूछ ही बैठी। लक्ष्मी बेटा, आज मुझको तुम एक बात बताओ कि जैसे ही कमल महीने की सैलरी मेरे हाथों में लाकर पकड़ाता है तो तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जाती हो? मुझको तुम्हारे इस तरह के व्यवहार के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता। मधु ने अपने शब्दों में बहुत ज़्यादा प्यार लाते हुए कहा, मम्मी जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर मैं नाराज होती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है, क्योंकि हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति महीने के अंत में अपनी सारी की सारी कमाई उसके ही हाथों पर लाकर रखे, कमल की तरह अपनी माँ के हाथों पर नहीं, क्योंकि शादी के बाद उसके पति की कमाई पर उसकी पत्नी का पहला हक होता है, उसकी माँ का नहीं। लेकिन मेरा पति कहने को तो इंजीनियर है, परंतु फिर भी वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं पकड़ाता। मुझको तो लगता है कि कमल को तो जैसे आपके अलावा कोई और दूसरा नज़र ही नहीं आता है। लक्ष्मी कमल की ओर देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए बोली, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर लक्ष्मी बेटा एक बात बताओ, मेरी इच्छाओं का क्या? जो मैंने पल पल सपने संजोए हैं उनका क्या? एक माँ की भी तो इच्छा होती है कि उसका बेटा कमाई करके लाए और उसके हाथों में लाकर पकड़ाए। बच्चों के होने के साथ ही एक एक दिन करके माँ सपना देखती रहती है कि कब उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होंगे और कब वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। और हाँ, एक बात और लक्ष्मी बेटा, तुम्हारा इंजीनियर पति मेरा बेटा भी तो है, जिसको इंजीनियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपने ना जाने कितने सपनों को कुर्बान किया है। तो क्या हम लोगों का कमल के ऊपर या कमल की कमाई पर कोई अधिकार नहीं है? ये बात कहते हुए मधु की आंखें झिलमिल झिलमिल हो रही थी। लग रहा था कि अब आंसू गिरे कि तब गिरे। सच बात है लक्ष्मी, मम्मी का एक एक शब्द बिल्कुल सही है। तुमको पता है मेरा इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं था। पापा की एक बिल्कुल छोटी सी कॉन्फेक्शनरी की दुकान, बाबा दादी और मैं, सबका खर्चा उस छोटी सी दुकान से चलता था। पापा को तो कई बार मैंने अपनी फीस के पैसों के लिए बहुत परेशान देखा, लेकिन मम्मी के पास हर समस्या का हल नज़र आता था। और उस परेशानी के समय भी मम्मी ने आगे बढ़कर टिफिन बनाने का काम ले लिया। दादी भी बूढ़े हाथों से माँ का संघर्ष देखकर सहायता करने लगती, क्योंकि मेरी दादी भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, मेरा हश्र पापा की तरह ना हो। मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था, तो मम्मी और पापा दोनों ही आगे पढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते। मम्मी ने मुझको पढ़ाई के लिए लोन नहीं लेने दिया, बल्कि अपने मायके से मिले हुए गहनों की आहूति सिर्फ इसलिए चढ़ा दी कि मेरे ऊपर लोन का भार ना रहे। इसलिए मेरी सैलरी पर सबसे पहला हक मेरी मम्मी का, और फिर मम्मी तो ज़रूरत भर का पैसा निकाल कर
तुरंत तुम्हारे हाथों में ही सारा पैसा पकड़ा देती हैं। बल्कि पिछले महीने भी उन्होंने तुम्हारे ही हाथों में सैलरी देने के लिए कहा था, लेकिन मैं अपनी मम्मी की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं कुचल सकता, चाहे उसके लिए मुझको तुम्हारी नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े। कमल की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। सॉरी मम्मी जी, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आज के बाद कभी भी अब ऐसा नहीं होगा। पता नहीं क्यों मैं कमल पर अपना एकाधिकार समझने लगी और ये भूल गई कि मुझसे पहले आप उसकी माँ हैं। आपका हक उसके ऊपर मुझसे ज़्यादा है। आप नहीं होती तो कमल मुझको कहाँ जीवन साथी के रूप में मिलते। मैं ही नादान थी। लक्ष्मी के शब्दों में पश्चाताप बिल्कुल साफ झलक रहा था। लक्ष्मी बेटा, माफ़ी की कोई बात नहीं, बात सिर्फ समझने की है, वरना यही छोटी छोटी सी गलतफहमी की बातें घर में कलह का कारण बन जाती हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगली बार से कमल अपनी सैलरी तुम्हारे ही हाथों में लाकर पकड़ाएगा। मधु लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, लगता है कि मम्मी जी आपने मुझको माफ़ नहीं किया। अब कमल अगर आपके हाथों में भी सैलरी देता है तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरा भी वादा है आपसे, क्योंकि मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। लक्ष्मी मधु के गले लगकर बोली, मेरी अच्छी बहू, मैं तो पहले से समझती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस नादानी की वजह से थोड़ा भटक गई है। और मधु ने भी लक्ष्मी को अपने सीने से कसकर चिपका लिया और कमल पास में ही बैठा सास बहू का प्रेम देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही है। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।